ओके सो अभी जो हम लोग की हॉस्टल से पिकअप हो गई है तो हम लोगों को यहाँ पे पियर पे लेके आए हैं। यहाँ से लगभग 28-30 लोग हैं तो एक बोट में जाने वाले हैं और हमारी बोट पार्टी वहाँ से शुरू होगी और बाकी डिटेल्स मैं आपको उधर दिखाऊंगा। तो आप जब भी इधर आते हो तो आपको पियर में ना 10-10 बार जो है एंट्री फीस भरनी पड़ती है, तो मेरा 10 बार लिया है इन्होंने, वो जस्ट लाइक अ डेवलपमेंट फीस है तो वो देनी है। अभी चलिए और देरी नहीं करते, जल्दी शुरू करते हैं पार्टी। But we are going to Raleigh picking up Shauna and 10 more people from Raleigh Beach. She knows a lot more, so everything will be smooth sailing from here. If you'd like a drink card, you come to me and we'll get that sorted out, okay? 600 baht for 10 drinks or 80 baht a drink. Up to you guys. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. If you're smoking, please smoke outside. Do not smoke when the boat is running. There's petrol at the back of the boat and we don't expose. And number three, it happens all the time. Do not jump off a moving boat. If you jump off a moving boat again, we will get a long tail boat and we'll send you home. And bar will open at the first stop. First stop is going to be Chicken Island. If anybody has a drink card, you can come up and use your drink card. If anyone wants to buy a drink card, we have some with us. And that's it. Sure. All right? Cool. Sweet. तो अभी हम लोग आए हैं चिकन आइलैंड में, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है हमारे बोट पार्टी पे। पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई है बट क्योंकि ये अलग अलग जगह पे जाने वाली है और शाम के 8 बजे तक चलती है तो बहुत सारे स्टॉप्स होने वाले हैं, बहुत सारा बियर होने वाला है, बहुत सारा फन होने वाला है। तो चलिए लगे रहिए इस वीडियो में तभी तक। अभी मैं आपको इस बोट पार्टी की सारी कॉस्ट बता देता हूँ। सो इस बोट पार्टी का पूरा कॉस्ट है 1200 बात पर पर्सन, जिसमें आपको ओनली मील्स इंक्लूडेड है, यानी कि आप 3000 रुपये भर रहे हो पर उसमें आपको 4 आइलैंड्स भी कवर हो जाते हैं। थोड़ा महंगा लगेगा आपको ज़रूर, बट आपको ये भी समझना है कि आप जब ऐसे बोट पार्टी में जा रहे हो तो आप वहाँ पे यंग क्राउड के साथ रहोगे, बहुत ही हैपनिंग सा सीन रहेगा, म्यूज़िक पार्टी ये लेट इवनिंग तक चलती रहेगी, वर्सेस आपके नॉर्मल आइलैंड टूर में जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी पॉइंट दिखा के 6 बजे या 5 बजे छोड़ देते हैं। तो आपको ये करना मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जब आप थाईलैंड में आते हो। ऐसे सोशल बोट पार्टीज़ में जाने का मुझे यही पसंद है कि जो लोग रहते हैं और जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे के साथ जानने के लिए या सोशलाइज करने के लिए रख देते हैं। तो आप जब इधर जाते हो तो आपको ऐसा कोई भी मिनट नहीं लगेगा कि आप अकेले हो इस बोट पार्टी पर। Oh,
अभी दो आइलैंड हॉपिंग करने के बाद, बहुत पार्टी करने के बाद, अभी लंच ब्रेक हो गई है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, दिखा देता हूँ ये आइलैंड कैसा है। इधर थोड़ी देर हम लोग रुकने वाले, खाना भी क्या है वो भी दिखा दूंगा, वो इंक्लूडेड है हमारे इसके टिकट प्राइस में। सो लंच पे सीधा मिलता हूँ। थैंक यू। कि लंच में एग और सी फूड फ्राइड राइस है। आपको वेज ऑप्शन चाहिए तो वो भी उनको पहले बोल लेंगे तो बंदोबस्त कर देते हैं। वो थोड़ा सैलेड भी दिया है। तो चलिए, ये तो नॉर्मल सा है, खा के आपको सीधा मिलता हूँ। लंच खत्म होने के बाद हमारी बोट पार्टी चलते रही और बहुत सारे लोग फुल फॉर्म में आ गए थे। बियर वियर चले जा रही थी और बहुत लोग मजे कर रहे थे। अभी इस पॉइंट पे हमारी बोट को उन्होंने पानी के बीचों बीच रुका दिया और वहां पे लोगों को डाइविंग करने के लिए एज वेल एज स्नॉर्कलिंग करने के लिए आधा पौना घंटा दे दिया था। बहुत मजेदार था। इट वॉज अ कम्प्लीटली एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। Are you guys gonna jump from front? Are you guys gonna jump from the front? You want me to take a video because I'm doing one for myself? That's okay. Okay. Sure, I think we're gonna take him with us. He also has pink. Yeah. The last. Like, I think I'll be. I've been searching. Always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm alone? इस पॉइंट पे लाइफ जैकेट देख के आप टेंशन पे मत आइए कि हमारी बोट क्या डूब वूब रही थी क्या। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी ये पॉइंट ऑफ द जर्नी में हमारी बोट हमको एक आइलैंड के पास लेके गई जहाँ पे हमें पानी में उतारने का रीज़न ये था क्योंकि पानी के अंदर पिच डार्कनेस यानी अंधेरे में हमको वहाँ पे जो प्लैंकटन्स दिखाने गए थे। प्लैंकटन्स अगर सीधे शब्दों में हिंदी में समझाओ तो सी में रहने वाले जुगनू जैसे रहते हैं। आप वहाँ पे अंधेरे में जब जाते हो तो आपका पूरा पानी फ्लोरेसेंट कलर में चमकने शुरू हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया लोगों को इसमें। इम्पोर्ट होता है ना पूरे। ये सो दिस इज मारियाना एंड शी वॉज द वन हु एक्चुअली हेल्प अस आउट फ्रॉम अवनांग ऑल द वे।
and she's done a great job, and I'm thankful that you were there and the rest of the guys were there for us, and we had a great time. I'm glad you guys enjoyed it. Yes. Anytime, welcome back. Sure. Yes, we can party on the boat again. Yes. Thank you so much. No worries. Bye. ओके गाइस, सो पार्टी अभी जस्ट खत्म हो गई, अभी 8:30 बज गए हैं। अमेजिंग थी, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे क्विकली एक शॉट लेना है क्योंकि सी के पानी में शाम भर नहा रहा था, तो अभी जा रहा हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या आपको पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए मत। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं जल्द। ट्रैवलिंग बंदा आ